सलाम वालेकुम दोस्तों, एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए क्योंकि सऊदी अरब ने 25 कंट्रियों के लिए फ्लाइट खोल दी है। यानी 25 कंट्रियों से लोग अब सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। लेकिन कुछ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से रूल्स रेगुलेशन जो है बताए गए हैं, उनको जो है फॉलो करना होगा उन लोगों को जो लोग अभी सऊदी अरब के अंदर आने वाले हैं बाहर मुल्कों से। लगभग 7 जो है शर्तें बताई गई हैं जो लोग जो है फॉलो करेंगे जो अभी सऊदी अरब के अंदर आने वाले हैं 25 मुल्कों से। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये खबर आई है अखबार 24 पे है, अवकाश पे है और भी कई जो है दिगर न्यूज़पेपर हैं उन पे भी ये न्यूज़ आई है। तो इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंट्री है, 25 कंट्री जहाँ से लोग आएंगे। इसके अलावा जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है जो 7 कंडीशन है उनको फॉलो करना होगा उन लोगों को। देखिए पहली कंडीशन जो बताई गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि जितने भी लोग अभी सऊदी अरब के अंदर आएंगे तो उनको जो है एक अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और वो जब आप यहाँ पे आएंगे सऊदी एयरपोर्ट पे किसी भी सिटी में आप उतरेंगे यहाँ पे वो जो अथॉरिटी है उसको जमा करना होगा। और ये वाला फॉर्म मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए आपने पहले भी ये कभी देखा होगा। तो इस तरह का जो है फॉर्म है, ये फॉर्म जो है आपको इस पर अपना नाम लिख के सिग्नेचर करके और जब आप यहाँ पे उतरेंगे एयरपोर्ट पे तो इसको जो अथॉरिटी होगी उसको आपको ये जमा करना होगा। इसके अलावा जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में जो है बताया गया है कि जो लोग अभी सऊदी अरब आएंगे 25 कंट्रियों से उनको 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। यानी उन लोगों को 7 दिन के लिए अपने घर पे ही रहना होगा क्वारंटीन, और 7 दिन पूरा होने से पहले यानी 2 या 3 दिन पहले ही पीसीआर रिपोर्ट जो है करानी होगी। और अगर वो मान लीजिए पीसीआर रिपोर्ट होगी यानी जैसे 7 दिन का क्वारंटीन है आपका और 3 दिन पहले यानी 4 दिन का क्वारंटीन जब आपका पूरा हो जाएगा तो जो है डॉक्टर आएंगे आपके रूम पे, ठीक है, वो जो है आपकी पीसीआर रिपोर्ट जो है करेंगे। और अगर आप जो है उसमें कोरोना वायरस निगेटिव हैं तो अगर आप निगेटिव हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, 7 दिन के बाद आप अपनी जो है जॉब जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई सिम्टम उनको जो है दिखे आप में या कोई कोरोना वायरस अगर हुआ आपको तो हो सकता है मजीद जो है आपको और क्वारंटीन करें वो, या हो सकता है आपको अपने मुल्क वापस कर दें। और इसके अलावा जो तीसरी शर्त है उसमें यह बताया गया है कि जितने भी अभी लोग आएंगे सऊदी अरब के अंदर बाहर मुल्कों से उनको जो है 2 एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी और उन पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहला जो है तत्मईन है और दूसरा तवक्कलना एप्लीकेशन है, ये जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, इनको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और चौथी जो शर्त है वो ये है कि यहाँ पे आने के 8 घंटे के अंदर अंदर यानी आप जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे ये फॉर्म जमा करने के बाद आप अपने जो है रूम पे चले जाएंगे, होम क्वारंटीन रहेंगे 7 दिन के लिए। तो आने के यहाँ पे लिखा है कि विदिन 8 आवर्स ऑफ अराइवल यानी एयरपोर्ट पे जब आप उतर जाएंगे फॉर्म जमा करके आप अपने रूम पे जाएंगे तो 8 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी जो रूम है आपका या जो घर है उसकी लोकेशन को जो है ये तत्मईन और जो तवक्कलना जो एप्लीकेशन है इस पे आपको शेयर करनी होगी, अपनी जो लोकेशन है वो इसमें फीड करनी होगी। और देखिए पांचवी जो शर्त बताई गई है उसमें यह है कि यहाँ अगर यहाँ पे आने के बाद जो है आप होम क्वारंटीन रहेंगे 7 दिन के लिए और अगर इसके बीच में जो है कोई आप में कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो है दिख रहे हैं, खांसी हो रही है या बुखार आ रहा है या सांस लेने में जो है दिक्कत हो रही है तो 937 पे आपको कॉल करना है और इस पे जो है बताना है कि मुझे जो है ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो आएंगे और आपको जो है जो ट्रीटमेंट वगैरह होगा वो आपको दिया जाएगा। और जो छठी इसमें शर्त बताई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वो ये है, तो आप जो अपने मोबाइल में तत्मईन के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपको अपने बारे में डेली अपडेट करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन पे। हो सकता है इसमें यानी टिक लगाने के लिए हो कि आप जो है कैसे हैं, कोई बुखार खांसी वगैरह तो नहीं हो रही, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो ये जो है डेली आपको इस पर बताना होगा। और वो जो है आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन बताएंगे उनको आपको फॉलो करना होगा। और सातवीं जो शर्त है उनकी वो टिकट के हवाले से है, यानी टिकट जब आप खरीदेंगे उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है वो आपको वहीं पे पता चल जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ सऊदी अरब ने जो 25 कंट्रियों को अलाउ किया है यहाँ पे आने के लिए, तो ये जो 25 कंट्री हैं वो उनके नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो पहली है वो है यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, इजिप्ट, लेबनान, मोरक्को, तुनिसिया, चाइना, द यूनाइटेड किंगडम, इटाली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ग्रीस, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, इथोपिया, केनिया,
नाइजीरिया और इंडोनेशिया। तो देखिए यहाँ पे बांग्लादेश का नाम है लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का नाम नहीं है। उसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये जितनी भी कंट्री हैं यहाँ से जो लोग आने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर वो बहुत ही कम तादाद है और इंडिया पाकिस्तान से जो लोग आएंगे उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। तो यानी कि ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल है। तो इस वजह से जो ये अभी कंट्री है यानी जहाँ पे अभी कम लोग हैं वहाँ से उन्होंने अलाउ किया है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर आएंगे। क्योंकि जो लोग इन 25 कंट्रियों से आएंगे तो सऊदी गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो इन पे ध्यान रखेगी और डेली जो है इनका चेकअप भी होगा। जो लोग होम क्वारंटीन में रहेंगे डॉक्टर आके इनको चेक भी करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा जो है काम बढ़ जाएगा। इस वजह से जितने भी ये कंट्री हैं 25 यहाँ से आने वाले बहुत कम लोग हैं और इंडिया पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है अब इंडिया पाकिस्तान के लिए भी ऐलान हो जाएगा। और जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी मैं वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक और काम कीजिएगा, इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों को जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाए कि फ़्लाइट जो है खुलने वाली है इंडिया पाकिस्तान के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया।